चलो 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 साइड रहो साइड रहो साइड 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 मन आगे आगे रहो साइड रहो साइड साइड हो साइड हो साइड हो भैया साइड हो एक मिनट साइड हो भाई तू आगे ले जाओ साइड रहो साइड 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 सारे आ जाएंगे मैम और आज मेरी पहली पहली स्वाद आता है बस मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं भगवान लाज रखना मेरी दुल्हन लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स introduce my latest brand new and 2022 model wife bete ho aapke lalak husband log ye car introduce kar rahe hain ki apni wife ko introduce kar rahe ho aur latest ka kya matlab iska matlab aapki pehle bhi kabhi shaadi hui hai nahi janu nahi latest matlab nayi naveli dulhan ha par aap tarika hota hai अच्छे से भाई इंट्रोड्यूस करो यहाँ पंजाबी मुझे देख रहे इतनी स्मेल है उनके चेहरे पे आजकल इनके से कोई पसंद कर रहे हैं उसके तो दांत भी बड़े चमक रहे हैं और जानू नकली लगाए हुए खैर मैं जैसा तुम कहती हो वैसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ लेट्स इंट्रोड्यूस माय डार्लिंग पिंकी डार्लिंग पिंकी डार्लिंग को गोली मारो आप जल्दी से वो काम करो जो काम में आए हो हनीमून मनाओ ना स्वागत शुरू करें शुरू करो सावधान विश्राम जानू हम स्वागत शुरू करने लगे हैं या आप परेड शुरू करने लगे तो विश्राम कर ली हाँ ओके 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 सिद्धे हो जाइए इधर को हाँ शर्माते हुए आना पड़ता है ना तो ओके ओके ओ ना 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 जानू जानू तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है तुम मेरे दिल में बैठो तुम यहाँ बैठो नहीं नहीं मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ वाह क्या संस्कार है लड़की में अब मेरे बराबर नहीं बैठ सकती ए जानू मान लो अगर मैं तुम्हारी जगह पर बैठ गया फिर तुम क्या करोगी मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी अगर मैं सोफे पर बैठ गया तो मैं चटाई पर बैठ जाऊंगी अगर मैं चटाई पर बैठ गया तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी जानू अगर मैं जमीन पर बैठ गया तो अगर मैं उस खड्डे में बैठ गया तो मट्टी डाल के मसला खत्म कर दूंगी जानू हाँ मैंने देख लिया इंग्लिश तुम्हें कैसी आती है ये तो मुझे पता चल गया थैंक यू जू ठीक है ठीक है अच्छा अब मैं कुछ जीके के सवाल पूछ सकता हूँ तेरे से हाँ ये जीके क्या होता है हमने तो आज तक सिर्फ टीके सुना था जी के मतलब जेन्युइन नॉलेज अच्छा जी पूछ लो पूछ लो ये बताओ कि एक आदमी की ऐसी की तैसी कब होती है एक आदमी की ऐसी की तैसी तब होती है जब उसे लूज मोशन लगे हो और पजामे का नाड़ा ना खुले अच्छा ये बताओ कि दो औरतों की लड़ाई में एक आदमी को क्या करना चाहिए वेरी सिंपल नारी नारी के युद्ध में मगे गन पड़ गया बीच में तो खोपड़ी जाएगी फूट बोलो सियापति रामचंद्र की लग गया पता मुश्किल सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती पैदल लगती है लेकिन एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ आप मुश्किल पूछिए अभी तो सारे ही आते हैं नहीं वो तो मैंने देख लिया आइए बताओ कि एक आदमी के कितने दांत होते हैं एक आदमी के दांत होते हैं पांच तुम्हें इतना भी नहीं पता आदमी के कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं 32 पर मेरे दादाजी के तो 5 हैं मैंने इंसानों की बात की है तुम्हारा दादाजी कितने हैं आपके इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो शमा बत्त फेर मार के मेरे मुंह तोड़ देना है और जितने दांत है ना आपके सारे के सारे बाहर निकल आने हैं मिलैक हस्बैंड सुनिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी अगर उसका आपने ठीक जवाब दिया तब मैं समझूंगी कि आपको कोई अकल शकल है पूछो हाँ पूछिए पूछिए आप मुझसे सवाल पूछे हाँ एक ना कुएं में 20 मेंढक हैं हाँ बच्चों आप भी ध्यान से सुनना यहाँ बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं एक कुएं में 20 मेंढक हैं हाँ जी एक मर गया कितने बचे वेरी
वेरी सिंपल, 19 करके लाना, बड़ी मेहनत का काम है।
से दुश्मनी निकाल ली हो तो उसकी शादी करवा दो, किसी का हंसता हुआ चेहरा आपको अच्छा ना लगे तो शादी करवा दो। मेरे साथ भी एक कमीने दोस्त ने ऐसा ही किया, उसकी टांग तोड़ूंगा चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। और भाई साहब मैं मानता हूं हर हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं, सारे लड़ते हैं, मैं मानता हूं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ एक ऐसे सामाजिक प्राणी होते हैं जो किसी वक्त भी जंगली प्राणियों में बदल जाते हैं। हाँ भाई साहब, कहीं भी गली मोड़ नुक्कड़ मोहल्ले कहीं भी आप किसी आदमी और औरत को लड़ते हुए देख लो तो समय लेना हस्बैंड वाइफ ही होंगे, और कहीं दोनों को हंसते हुए देख लो तो समय लेना उसकी नहीं है। Alright, so I am most excited to ask this question right now. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਰਤਨਗੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰਨਾਸ ਔਰ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਵਰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਪਾਸਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ, ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁੰਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੂਗੀ ਗੁੰਗੀ, ਸੌਂਗਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰ ਅੱਬਾ ਡੱਬਾ ਜੱਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅੱਬਾ ਡੱਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
मतलब मैं तो इनके काफी प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, इससे आम लोगों को बहुत काम मिलता है, ऐसे लोगों को जो कि कलाकार हैं। कलाकार सिर्फ एक्टर या डांसर या सिंगर्स ही नहीं होते हैं, वो जो कलाकार जो चित्रकारी करते हैं, जो नक्काशी करते हैं, जो बुनाई करते हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें जो कढ़ाई करते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, वो सब कलाकार हैं। तो हमारे क्या है कि कुछ एक लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि वो अपने टैलेंट को लोगों को दिखा सके, लेकिन हुनर हाट एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से वो लोग, वो औरतें जो घर में बैठी हुई थी, जिनकी कलाकारी और जिनके टैलेंट का किसी को नॉलेज ही नहीं था, वो कलाकार जो बहुत टैलेंटेड थे, वो सब निकल के बाहर आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, उनको काम मिल रहा है, उनको बिजनेस मिल रहा है, और हुनर हाट की वजह से बहुत दुनिया को काम मिला है। बहुत अच्छा, मैं हुनर हाट पे ये तो पहला भी काफी प्रोग्राम करती हुई है, एक ही 9 या 10 दिन चलता है हुनर हाट, और मैं कुछ 3-4 शोज तो पहला भी डिफरेंट प्लेसेस पे किए थे। बहुत अच्छा लगता है मैनू परफॉर्म करना हुनर हाट च। इतने सब तो अच्छी गल मैनू ये लगती है कि बहुत सारे लोगों को हुनर हाट के जरिए काम मिल रहा है, ते मतलब बहुत सारे जिदा कलाकार जड़े कि अलग अलग चीज़ों अलग अलग खेत्र के कलाकार है, जिदा कारीगर है या नक्काशकार है या चित्रकार है, सिंगरस है, आर्टिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट, तो उन्होंने काम मिल रहा। फिर सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जड़े आह दुकाना लगाते हैं, तो जड़े स्टेज बनाते हैं, मतलब किन्नी दुनिया हुनर हाट के जरिए काम मिल रहा, उन्होंने घर चल रहा है। बहुत अच्छी गल मैम जी।